आज की क्लास में हम पीएचपी एरेज के बारे में जानेंगे। पीएचपी एरे जो है नॉर्मल एरे का कंसेप्ट है उसी प्रकार से रहता है, बट इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। कुछ लैंग्वेजेस जैसे पुरानी लैंग्वेजेस आप सी प्लस प्लस जावा सी आदि में देखेंगे कि उसमें भी एरे का फीचर आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एरे है वो थोड़ा सा डायनेमिक तरीके से आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एरे का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है पीएचपी के एरे के बारे में या नॉर्मल एरे के बारे में। तो एरे की सबसे पहली खासियत है कि ये कलेक्शन होता है मल्टीपल आइटम्स का, यानी कि एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल आइटम्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे हमको बार बार अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है, या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स के एक सिंगल नाम होता है या नाम शेयर करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को हम एरे कहते हैं। क्लियर है? एरे के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि हमको इसमें कोड कम करना पड़ता है। अगर आप एरे का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कम कोड में बड़े बड़े काम आप कर पाएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना एरे के नहीं होगा, लेकिन काम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी आप अपने प्रोग्राम में एरे का यूज़ नहीं करते हैं तो भी आप कोड कर पाएंगे, प्रोग्राम बना पाएंगे, लेकिन एरे का यूज़ करने से आपका जो प्रोग्राम है वो कम कोड पर और जल्दी बन जाएगा। कम कोड में हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी आसानी से बन जाता है। इजी टू ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब होता है कि अगर हमारा एरे बना हुआ है, ये मान लीजिए हमारा एरे बनता है किसी तरीके से, तो एरे को हम मेमोरी में, तो वो कैसे स्टोर होता है, बहुत डायनेमिक तरीके से स्टोर होता है, उसको समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। फिलहाल हम पेपर पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एरे ऐसे बन रहा है। क्लियर है? तो एरे ऐसे बनता है, तो इसका जो ट्रेवर्सिंग होती है, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है कि ये पहले एलिमेंट से ले करके पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करना, इसको बोलते हैं ट्रेवर्स। ट्रेवर्स वर्ड यूज़ किया जाता है। तो बहुत इजी होता है इसमें ट्रेवर्स करना। क्यों इजी होता है? हम एक लूप चलाते हैं और हजारों एलिमेंट्स को एक साथ ट्रेवर्स कर सकते हैं, यानी कि एक लूप को लिखने में हम उसको 3 से 4 लाइन का कोड लगता है, और उस कोड से हम हजारों लाखों एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके एक्सेस कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और यही वो फीचर है जिसकी वजह से हम एरे को यूज़ करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है एरे का यूज़ करने से, हम इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं। पीएचपी में एडिशनल फीचर्स मिले हुए हैं सॉर्टिंग करने के, तो हम सॉर्ट करके अपने एरे को रख सकते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें स्टोर होंगे। क्लियर? तो इस प्रकार के कुछ एडवांटेज है जिससे हम एरे को यूज़ करते हैं, और एरे को यूज़ करने से हमारा जो प्रोग्रामर का काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कम समय पर अच्छे प्रोग्राम बिना मेहनत के बनते हैं, ये फीचर है एरे का। एंड यूज़र को एरे से कोई मतलब नहीं होता है, ये प्रोग्रामर की हेल्प के लिए बना हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं एरे पीएचपी में कितने टाइप के हो। पीएचपी में एरे की बात करें तो पीएचपी के जो एरे हैं वो 3 टाइप से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे तो पहला जो कैटेगरी बनाई गई है वो है इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स एरे में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो बनाई गई है वो है आपकी एसोसिएटिव एरे, और तीसरी है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो देखा जाए तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो आपको इंडेक्स एरे देखा दिखाया लगेगा, मल्टी डायमेंशनल एरे भी आपको वैसा ही लगेगा, एसोसिएटिव एरे थोड़ा सा अलग लगेगा। तो अगर आप अभी इसको आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने इंडेक्स वाले एरे को पुरानी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, मल्टी डायमेंशनल एरे को भी पुरानी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, केवल सिंटेक्स चेंज है डिक्लेरेशन का। लेकिन ये एसोसिएटिव लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल नया फीचर है, पुरानी लैंग्वेज जैसे जावा सी सी प्लस प्लस आदि में उसे नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट हमको इसी को समझने का है। नई लैंग्वेज में इस टाइप के एरेज को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है, और डेटा साइंस के जो कोर्सेज होते हैं, डेटा साइंस के जो जितने भी कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए गए हैं, उसमें एसोसिएटिव एरे को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इनको कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे लिस्ट, टपल इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि इन तीनों टाइप के एरे जो हैं वो पीएचपी में हम कैसे बनाते हैं। जो पहला टाइप है वो है पीएचपी का इंडेक्स्ड एरे।
इंडेक्स्ड एरे बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ये सेम वन डायमेंशनल एरे की तरह होता है, इसको वन डायमेंशनल एरे के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसमें एरे बनाने के लिए हमको सिंपल एक वेरिएबल बनाना होता है और एरे नाम का एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करना होता है। एरे नाम का कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के बाद हमको सारी वैल्यूज़ को सीक्वेंस में यहाँ देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को सीक्वेंस में दे दिया है और कॉमा से उनको सेपरेट करना होता है। कॉमा सेपरेट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो कितने टाइप कितनी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चार वैल्यूज़ है। तो इंडेक्स इसका होगा 0 to 3। 0 to 3 करने पर चार वैल्यूज हम एक्सेस कर पा रहे हैं और यही इंडेक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ जो ये सीजन नाम का वेरिएबल बना है, इस वेरिएबल में चार वैल्यूज स्टोर हो रही है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। इसको हम चारों को चार इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लाइन का जो मीनिंग है, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है, इसकी मीनिंग सेम ये है, यानी कि यहाँ पर चार वेरिएबल बने हैं, चारों का नाम सीजन है लेकिन उनकी इंडेक्स वैल्यू अलग अलग है और चारों में अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर स्टोर की गई है। अगर मैं इसको लूप चला करके 0 to 3 लूप चलाऊं और प्रिंट करा दूं तो चारों वैल्यूज मेरी प्रिंट हो जाएंगी। इसको हम एग्जांपल में देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी इंडेक्स एरे का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें PHP का कोड लिखा हुआ है। ये PHP का कोड है, इसमें ऐसा एरे बनाया गया है। ये एरे को प्रिंट करा दिया गया इको से, और इको से प्रिंट कराने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 के साथ प्रिंट करा दिया गया है। तो आउटपुट भी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका आउटपुट आ रहा है सीजन आर, और उसके बाद सीजन का नाम आ रहा है, विंटर आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, ऑटम आ रहा है। ये सभी सीजन्स के नाम यहाँ से लेकर के ये जो आउटपुट है आपका ये दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दिया गया है कि ऐसे आप ये इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो छोटा सा इंडेक्स एरे का एग्जांपल था जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, 1D एरे की तरह होता है और इंडेक्स वैल्यूज से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं लूप लगा कर। आइए देखते हैं PHP का एसोसिएटिव एरे। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। PHP का जो एसोसिएटिव एरे है इसमें ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, इस सिंबल को यूज़ किया जाता है एक ऑपरेटर की तरह, और ये लिंक टाइप लिंक जैसा काम करने का काम करता है। और यहाँ पर दो वैल्यूज़ का पेयर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में सैलरी नाम का एक एरे बनाया गया है। सेम वैसा ही एरे का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है, और एरे का कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के बाद यहाँ पर दो दो वैल्यूज़ का एक पेयर बनाया गया है और कॉमा से उनको सेपरेट किया गया है। फिर यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, फिर यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, और बीच में इस सिंबल का या इस ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। तो ये बनाया जाता है पेयर में, और यहाँ पर इनको एक्सेस करने के लिए इसे की माना जाता है और ये वैल्यू है। तो ये की है इसकी, इस की से इसको एक्सेस किया जाता है, की से वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज़ किया गया था। अब यहाँ पर इंडेक्स नहीं है बल्कि हमने उस इंडेक्स को यूज़र डिफाइन कर दिया है। इंडेक्स्ड एरे में क्या होता था, इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता था और n-1 तक जाता था। ये इंडेक्स एरे की खासियत है कि जीरो से स्टार्ट होकर के n-1 तक ही जाता था, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एसोसिएटिव एरे में उसको चेंज करने की सुविधा दी गई है। किसी भी वैल्यू का इंडेक्स आप खुद तय कर सकते हैं, ये यूज़र डिफाइंड है। तो इसको तय करने के लिए यहाँ पर इस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, और हर वैल्यू जो है दो दो के पेयर में होती है। पहली वैल्यू जो है उसकी की या इंडेक्स कहलाती है, और दूसरी जो है वो उसकी वैल्यू कहलाती है। तो ये इसका इंडेक्स या की है कार्तिक, और ये वैल्यू है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा बनाते समय कि इंडेक्स जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी की जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन का मीनिंग, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग ये है। यहाँ पर तीन वैल्यूज स्टोर हैं। पहली है सोनो का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, जॉन का वैल्यू होगा वो ये होगा, और कार्तिक की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पर आपको इस हिस्से पर फोकस करना है। ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप,
यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखता, जबकि इंडेक्स वाले में ऑर्डर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर? आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप एक एरे बनाया गया है, और इस लाइन नंबर 2 पे देख पा रहे हैं कि एक एसोसिएटिव एरे बनाया है, जिसमें इस ऑपरेटर का यूज़ करके इंडेक्स या की और उनकी वैल्यू का पेयर बनाया गया है। इसमें कोई भी ऑर्डर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको लास्ट में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं। ऑर्डर यहाँ पर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। और यहाँ पर अगर आपको प्रिंट कराना है तो इको के साथ आपने ये स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, और उसकी वैल्यू को अगर आप फेच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इंडेक्स की जगह पर ये की का यूज़ करेंगे। आप इंडेक्स की जगह पर किसका यूज़ करेंगे? की का। इस तरीके से सोनू की जो 3,50,000 जो उनकी सैलरी है, और इसमें 4,50,000 जो सैलरी है, और इसमें 20,00,000 जो सैलरी है, वो यहाँ पर प्रिंट होगी आउटपुट में, आप देख पा रहे हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ पर दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर की के द्वारा उस वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, और इंडेक्स में इंडेक्स वैल्यू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा बेसिक डिफरेंस है कि इसमें ऑर्डर का कोई मायने नहीं होता, जबकि वहां पे ऑर्डर मायने रखता है। इंडेक्स हमेशा ऑर्डर में रहेंगे। आइए देखते हैं आगे तीसरे टाइप का एरे। तीसरे टाइप का जो एरे है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसका नाम आपने पहले भी सुन रखा है। मल्टी डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट बिल्कुल ही इजी है, और वो नेस्टिंग पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस टाइप का मैं कंसेप्ट बनाऊं, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि कोई ब्लॉक जो है, ये मेरा कोई ब्लॉक है, मान लीजिए ये फॉर लूप है, इसके अंदर हम दूसरा फॉर लूप लगा सकते हैं, उसके अंदर और फॉर लूप, उसके अंदर और फॉर लूप, और ऐसा हम कितने भी लेवल तक जा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को नेस्टिंग कहा जाता है। नेस्टिंग ऑफ लूप, नेस्टिंग ऑफ इफ ब्लॉक, नेस्टिंग ऑफ, अब जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे वो लूप हो, चाहे वो कोई भी ब्लॉक हो, जैसे यूनियन हो, स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के अंदर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यूनियन के अंदर आप यूनियन बना सकते हैं, या फिर किसी फंक्शन के अंदर इस टाइप से बना सकते हैं। तो नेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, क्योंकि नेस्टिंग ही वो फीचर है जिसके द्वारा हम अपने कोड को आसान कर सकते हैं, या बड़े बड़े डेटा सेट को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब नेस्टिंग भी यहाँ पर कई डायमेंशन में होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन में नेस्टिंग की है। अब इस 2 डायमेंशन की जो नेस्टिंग है उसको मैं 3 डायमेंशन में भी कर सकता हूँ। 3 डायमेंशन का मीनिंग कुछ और नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि मैंने यहाँ पर ये 2D डायमेंशन में नेस्टिंग की। अब इन 2D को मैं क्या करता हूँ, एक में बंद कर देता हूँ ऐसा, तो ये 3 डायमेंशन की जो नेस्टिंग है वो कहलाती है। फिर ऐसा ये 3D डायमेंशन है, तो मैं ऐसा 3D का एक और सेट बनाता हूँ, ये 3 डायमेंशन की नेस्टिंग हो गई, फिर ये 3 डायमेंशन की नेस्टिंग हो गई, ये एक 3D हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये एक 3D हुआ और ये एक 3D हुआ। अगर मैं इसको एक और बॉक्स में बंद कर देता हूँ ऐसा, तो ये 4D हो जाता है, ये आपका कहलाएगा 4D। और फिर 4D का ग्रुप बनाइए, एक बॉक्स में बंद करिए, 5D बन जाएगा। 5D का ग्रुप बनाइए, बॉक्स में बंद करिए, 6D हो जाएगा। 6D का ग्रुप बनाइए, 7D, 8D, ऐसा कितना भी D आप बढ़ाते जा सकते हैं, आपके ऊपर है। क्लियर? तो आप देखेंगे एक छोटा सा डेटा जो है ग्रुप में ऐड होते 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 कितने बड़े डेटा सेट का पार्ट बन जाता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आपको समझना है कि हम यहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए हम भिलाई में रहते हैं, और भिलाई के जैसे बहुत सारे और छोटे छोटे यहाँ पर सेक्टर्स हैं भिलाई में। सेक्टर्स मान लीजिए हम सेक्टर 6 में हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स को ग्रुप करते हैं तो भिलाई बनता है। भिलाई के जैसे और भी कई सारे नगर्स हैं, इनको ग्रुप करेंगे तो हम जिला बनेगा। कई सारे जिला हैं, इनको ग्रुप करेंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है। डिस्ट्रिक्ट को ग्रुप करने पर हमारा स्टेट बनता है। स्टेट को ग्रुप करने पर इंडिया बनता है। और इंडिया जैसे कई सारी कंट्रीज हैं, उसको ग्रुप करेंगे तो हमारा जो ब्लॉक्स है वो बनते हैं, और उस पूरे ब्लॉक 4-5 ब्लॉक हैं उनको
हम जब ज्वाइन करते हैं तो पूरी अर्थ बनती है, अर्थ को ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो हमारा सोलार सिस्टम बनता है, सोलार सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो गैलेक्सी बनता है, इस टाइप से बढ़ते जाते हैं आगे। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया गया है, क्लियर। तो आप यहाँ पर देख पाइए, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया उससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाया जाता है। लेकिन एक और मैं फॉर्मूला बता दूँ कि ये आपका सिंगल वैल्यू है, मान लीजिए ये सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू को अगर आप ग्रुप करते हैं तो ये 1D एरे क्रिएट हो जाता है, 1D, क्लियर। फिर 1D एरे को आप ग्रुप कर दीजिए, ये 1D एरे है, ये 1D एरे है, अभी तो 12:45 को क्लास है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे बनाया, ऐसा ऐसा, यानी कि 1D का मैंने एरे बना दिया, 1D का ये एरे बना दिया। ये 3 1D एरे है मेरे पास, ये 1D है, ये 1D है, ये 1D है, इनको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ऐसा, तो ये बन जाएगा मेरा एक 2D एरे। आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो 2D एरे मेरा क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं 2 2D एरे बनाता हूँ, और दो बोल रहा हूँ, मल्टीपल 2D एरे बनाता हूँ और उनको एक बॉक्स में बंद कर दूंगा तो 3D एरे बन जाएगा। फिर 3D 3D का मैं मल्टीपल बॉक्स बना करके एक सिंगल बॉक्स में बंद कर दूंगा तो 4D बन जाएगा। ऐसे ही जो हम मल्टीपल बॉक्स में मल्टीपल को एक सिंगल बॉक्स में बंद करते हैं उसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। तो आप रिलेशनशिप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं इसको सिंगल एलिमेंट मानूं तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या कहलाता है, 1D एरे कहलाता है। ग्रुप ऑफ 1D एलिमेंट्स या 1D एरे क्या कहलाता है, 2D एरे। ग्रुप ऑफ 2D एलिमेंट्स या 2D एरे क्या कहलाता है, 3D एरे। ग्रुप ऑफ 3D एलिमेंट्स क्या कहलाता है, 4D एरे, और ये बढ़ते जाएगा। इसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे कह देते हैं, क्लियर। तो देखा जाए तो 1D एरे इक्वल टू ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, 2D एरे को हम क्या बोल सकते हैं, 2D एरे इज एरे ऑफ 1D एरे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1D एरे है, ये 1D एरे है, ये 1D एरे, इसको एरे बना दिया तो ये 2D एरे बन गया या मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया है। और किया क्या है, केवल नेस्टिंग की है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाते थे और यहाँ ब्रैकेट बंद करते थे, तो यहाँ का जो ब्रैकेट है वो हटा करके यहाँ से उतार करके यहाँ रख दिया, और यहाँ पीछे का जो ब्रैकेट है उतार के यहाँ रख दिया, और इसको और इसको और इसको यहाँ पे रहता था ये 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए कॉमा कॉमा को ये इसको 3-4 लाइन में लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए ये 1D एरे का ग्रुप बनाया गया है और 2D एरे बना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये एरे यूज किया गया है, सेम सिंटेक्स यूज किया गया, ये मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। फिर इनका ऐसे वाले का ग्रुप बना करके फिर 3D एरे बन जाएगा, फिर उसका भी ग्रुप बना करके फिर 4D एरे बन जाएगा, ऐसा आप कितने भी लेवल तक जा सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो एक टेबल जैसा दिखाई देता है, यानी कि ये पहला जो आपका डेटा है ये 1D एरे, ये 1D एरे और ये 1D एरे, और उसको जब हम इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ये टेबुलर डेटा में आपको दिखाई देता है। यानी कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी टेबुलर डेटा देख रहे हैं, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो कोई डेटाबेस हो, वहाँ पर इस टाइप के एरे से ही बनाया जाता है। फिर उनकी जो ग्रुपिंग की जाती है, वर्क स्पेस बनाया जाता है, वो 3D एरे होता है। फिर उनका जो वर्क स्पेस में शेयरिंग की जाती है वो 4D एरे होता है। डेटा वेयर हाउस बनाया जाता है, 5D डेटा माइनिंग के लिए बनाया जाता है, और आगे डायमेंशन बढ़ाए जाते हैं, बिग डेटा वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें इस तरीके से नेस्टिंग बढ़ाई जाती है और कुछ नहीं, केवल नेस्टिंग का लेवल बढ़ाया जा रहा है और डेटा की साइज बढ़ाई जा रही है। एरे का जो कंसेप्ट है वो आगे तक जाता है। फिर मल्टी सर्वर या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है, और लेवल बढ़ा दिए, सर्वर्स को कंबाइन कर दिए, तो इस तरीके से
मल्टी लेवल या मल्टी डायमेंशनल एरे जो है स्ट्रक्चर तैयार करता है अपना। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एरे के अंदर 3 1D एरे बनाए गए हैं, और चूंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे हैं इसलिए यहाँ पर नेस्टेड लूप का यूज़ किया गया है। नेस्टेड लूप, 2 लूप, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। इसको हम कॉलम मानेंगे और इसको रो मानेंगे, और दोनों को एक्सेस किया जा रहा है। ये सेम वही स्ट्रक्चर है जो हम पैटर्न प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया। देखिए पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो ऐसा रो और कॉलम में प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रो और कॉलम की संख्या जो है वो 3 और 3 दी गई है। क्लियर? तो प्रिंट करने के बाद आउटपुट इसका क्या दिखेगा अब देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आउटपुट इसका जो है वो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एरे की कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हमको पीएचपी प्रोवाइड करता है, जो कि नई चीज़ें, पुरानी लैंग्वेजेस में हमको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। यानी कि जैसे एरे का ये पहला फंक्शन है, एरे को क्रिएट करने के लिए एरे नाम का फंक्शन हमको मिलता है, और यहाँ पर एरे को हम इसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने एरे को क्रिएट किया है एरे फंक्शन की सहायता से। क्लियर है? और ये इंडेक्स्ड एरे तैयार किया है हमने। ऐसे ही एरे के फंक्शन में हम काउंट आदि को भी यूज़ कर सकते हैं। काउंट फंक्शन को देखेंगे, ये फंक्शन हमें पीएचपी प्रोवाइड करता है, और इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है कि काउंट लिखा हुआ है, और ये इंट वैल्यू यानी कि नंबर की वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक एरे बनाते हैं और इसकी साइज़ कितनी है, 4, तो आप यहाँ पर अगर इको में काउंट सीजन लिखेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 4। यानी इसके एलिमेंट को काउंट करके उसकी साइज़ बता देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको एरे की साइज़ जो है वो रिटर्न हो जाती है, और हम लूप कितने देर तक चलाना है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एरे का फंक्शन, और एरे का लगभग थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दिया है।